हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेट्स ओडिया। मुँ बसंत सर तुमको स्वागत जनाऊँ आज वीडियो को। आम पढ़ुचे ऑप्टिक्स, ये हूँ तार फोर्थ क्लास। या पूर्व आम ए पाठर तीन टा क्लास अलरेडी कर सारीचे, जे देखिन निश्चित भाव में देखिनब। आज जो पार्ट अच्छे एमें कनकेव मिरर में कमी इमेज फर्मेसन हो, कनवेक्स मिरर में कमी इमेज फर्मेसन हो, तार रे डायग्राम्स बनईकी देखा। ये पार्टा भी आम 10th क्लास रे अलरेडी आम पढ़ी, ऑब्वियसली टिके डिफरेंट वे रे पढ़ा आम एवं, बट एटा भी आराम से तुम्हें बुझीपार, बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तेणुक समस्त निश्चित भाव में लास्ट जाए क्लास को देख। आज जो क्लास अच्छे ये भी इम्पोर्टेंट रोक, तेणुक समस्ते लास्ट जाए देखा सहित, जदि भल लगे तुम सांग सहित निश्चित भाव में सेयार कर, वीडियो को लाइक कर। ठीक अच्छे, राइट। आम ये सब जाक डिस्कसन कर सारी टॉपिक गुड़ाक, लाइट कौन, राइट, इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट, आम ये सब जिनस को अलरेडी पढ़ी सारी। सो लास्ट आम पढ़ी इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर, ऑलराइट। नाउ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर रो विभिन्न केसेस अच्छे, छटा जाक केस। आम इनफिनिटी रो ऑब्जेक्ट को धीरे 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 तार पोल आड़ को लेके आसवा, अब विभिन्न केस रे केमिति इमेज फॉर्मेशन होचे ताकु देखिबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जदि आम देखा फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट जदि इनफिनिटी रे थिबो कोन हबो, आम लास्ट क्लास रे आलोचना करथले, इमेज टा पॉइंट साइज्ड हबो आ फोकस रे तैयारी हबो। ठीक अच्छे, इमेज जो तैयारी हबो, राइट, से इनवर्टेड हबो आ रियल इमेज तैयारी हबो। ठीक अच्छे, सेटा देखिबा आम आगो को। आम नेक्स्ट केस को जीवा, केस नंबर 2। सेकेंड केस ये हूँ तो मानकर ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बियॉन्ड सी, राइट, द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ठारु दूर रे, इनफिनिटी रे नथिबो बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ठारु टिके दूर रे थिबो, तेबे कौन हम देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मु गोटे कनकेव मिरर ये बनई दूची, लेट अस सपोज दिस इज योर कनकेव मिरर। ठीक अच्छे, कनकेव मिरर थाए गोटे प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोटे प्रिंसिपल एक्सिस आम ये बनई दबा, माय बैड, भल से बनवा प्रिंसिपल एक्सेस, ऑलराइट। प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर थी फोकस है, पोल ठारू फोकस रो दूरता जैसे फोकस ठारू सेंटर ऑफ कर्वेचर रो दूरता जैसे। ऑब्जेक्ट कौटी अच्छे, ऑब्जेक्ट अच्छे बियॉन्ड सी, माने सी ठारू दूर रे, ये तो मानकर ऑब्जेक्ट ए बी। तो एठरू जो रे गुड़ाक आसीबो, फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे रे नियो पैरेलल, पैरेलल रे कौन हबो, पैरेलल रे बाजिला परे से फोकस दे के जीवो, नहीं के पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस दे के गति करे, राइट, आपको तो हमें एरो मार्क दे के तार डायरेक्शन को दर्शाई पारे। आउ गोटे कौन नब, लेट अस से आउ गोटे तुम्हें फोकस दे के नियम, गोटे पैरेलल नियल गोटे फोकस दे के नियम, किंवा सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के नियम हला, इमेज मोर मिरर छोट अच्छे से हो ना, तुम जेकोसीटा ने हम आम रूल्स जाचे, पैरेलल रे फोकस दे की जीवो, राइट, फोकस दे की जाउथवारे पैरेलल बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे की जाउथवारे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे की रिटर्न हम, ऑलराइट। सो आम कौन करवा आ गोटे को मु कौन कली फोकस दे की गणी, फोकस दे की आ गोटे रे गति कला, बाजिला बाजिला परे से केमित जीव, से पैरेलल जीव। तो एबे तुम जो देख दीटा जाक रिफ्रेक्टेड रे कौटी मिसला आसिक ए पॉइंट रे, ये तुम मानक हम ए डैश, ऊपर को तुम लंबे बी डैश, ए डैश बी डैश है इमेज, ए डैश बी डैश कौ भितर तैयारी है फोकस आउ सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर। तो इमेज कौटी तैयारी है मन रख, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन
एफ एंड सी, एफ एंड सी, एफ आउ सी रो मझे तैयारी है। तुम्हें देखी पार्थ इनवर्टेड इमेज है, उल्टा इमेज तैयारी है कि नहीं। सो इमेज जो तैयारी है, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। रियल कहीं है बिकज मिरर रो बाहर तैयारी है, मिरर पचकानी तैयारी है ना, मिरर रो सामने जो पटे ऑब्जेक्ट अच्छे से पटे ही इमेज तैयारी है, आपको गोटे स्क्रीन रे हमें ऑब्टेन कर परबा से पे रियल इमेज। ठीक अच्छे, नाउ एठी जदि हमें, एठी हमें जब देखिबा हमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक अच्छे, यूटा से इनफिनिटी आउ 2f रो मझे अच्छे, हाँ कि नहीं। तुम्हें कह पोल ठारू फोकस रो डिस्टेंस केते, एफ बोली कौच हमें फोकल लेंथ, पोल ठारू सेंटर ऑफ कर्वेचर रो डिस्टेंस केते 2f डिस्टेंस, हाँ कि नहीं। ताहले आमे कहिबा एठी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा कौन अच्छे ना, इनफिनिटी ठारू, इनफिनिटी ठारू छोट अच्छे हला, इनफिनिटी ठारू छोट अच्छे एवं 2f ठारू बड़ अच्छे। आउ थोड़े उल्टा चिन्ह देने, हाँ इनफिनिटी ठारू छोट अच्छे 2f ठारू बड़ अच्छे, हाँ कि नहीं। देखो 2f पोल ठारू सी जाए 2f, ताठू आउ टिके दूर रे अच्छे ऑब्जेक्ट। सो यू इज लेस देन इनफिनिटी ग्रेटर देन 2f। तो जदि हमें 1 बाई कर दवा तीनटा जाको, 1 बाई इनफिनिटी, देखो जेकोसी जिनस जदि हमें 1 बाई करूचु ना तो साइन चेंज हुए, माने तुम्हें कह 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक कथा, किंतु 1 बाई 10 इज लेस देन 1 बाई 5 हम कि ना सब बेले। तो जदि हमें संख्या जाक 1 बाई करूचो, ए साइन जो मझे अच्छे ग्रेटर देन से लेस देन हो, उल्टी जीव, बुझिपार तेणुक 1 बाई इनफिनिटी इज लेस देन 1 बाई यू इज लेस देन 1 बाई 2 एफ, एति मन रख। तापरे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आम कौन करवा, ये आम भी कैसे आसे बाहर करवा, ठीक अच्छे, आम मिरर फर्मूला पकेवा। ये मिरर फर्मूला कौन कौच, मिरर फर्मूला ये कौच, 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, हाँ कि नहीं। हेले एठी ऑब्जेक्ट टा तो लेफ्ट रे अच्छे, इमेज आम जानू भी टा कौटी अच्छे आम जानू, आम काढ़ एटी सीना मुझे रे डायग्राम बनई देली बोली तुम जान लो, भाव आम जानू भी कौटी अच्छे, तो भी पे आम किसी करार ना, यू आउ एफ जानू आम फोकल लेंथ लेफ्ट को अच्छे नेगेटिव पकेले, यू टा लेफ्ट को अच्छे नेगेटिव पकेले, तो 1 बाई भी प्लस 1 कौन माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ। ताहले 1 बाई भी केते हबो, माइनस 1 बाई एफ, ए माइनस टा सेपरेट गले प्लस हो जाए 1 बाई यू, ठीक अच्छे। हेले आमे जानचे कौन, यूटा ग्रेटर देन 2f ये लिखाई है, ये आम जानचे जे यूटा 2f ठारू बड़, ता माने 1 बाई भी विल बी ग्रेटर देन माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई 2f, कहीं यू जगार आम 2f पकेले, यू यू जगार आम यू इज ग्रेटर देन 2f, ठीक अच्छे, यू इज इक्वल टू 2f नुहे। तो जदि आम यू जगह 2f लगोचे, ओवरऑल वैल्यूटा जो इक्वल थिला सी भी ग्रेटर हम कि नहीं, बुझिपार 1 बाई अच्छी कि नहीं, 1 बाई 2f तुम ये एमती बाई रे न लिखे, टी मैथमेटिकल रिजनिंग आमको लगे पड़ो माइंड में, 1 बाई 2f इज ग्रेटर देन 1 बाई यू, ये सर न, 1 बाई 2f इज ग्रेटर देन 1 बाई यू, बा तुम्हें कह यू इज जहाँ लिखी थी मुझे ही ठीक थी बोधे, यू इज ग्रेटर देन 2f, ता माने जदि आम यू जगह 2f लगे बा, ये बाई रे अच्छी कि नहीं, 1 बाई यू टा, 1 बाई यू टा छोट, 1 बाई 2f टा बड़, इजंट इट, सो इक्वल साइन कौन हो तुम्हें इक्वल साइन हो ग्रेटर देन, राइट, यही रिजनिंग तुमको मुझे बुझेक चेस्टा कर बा, तुम ये जब एड कर दुटा जाक ये हो 1 बाई भी इज ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2f, मिशाण कले माइनस 1 बाई 2f आसव, ठीक अच्छे, बा तुम 1 बाई टा को जब सीधा करदेव ये साइन उल्ट, भी इज लेस देन, भी इज लेस देन माइनस 2f,
ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଭିଟା 2F ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ। ଭିଏଫ ଭିଟା କେଉଁଟା, ଇମେଜ ତିଆରି ହେଇଛି ପୋଲ ଠାରୁ ଇମେଜର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖ, ଇଏ 2F ଠାରୁ ଛୋଟ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଛୋଟ। 2F ତମମାନଙ୍କର ପି ଠାରୁ ଧରିକିରି ସି ଯାଏ 2F, ତାଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଗରୁ ଅଛି ନା, ସି ଠାରୁ ସିର ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସୋ ଭି ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ -2F ବାହାରିଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇମେଜଟା ଏଫ୍ ଆଉ ସି ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି। ଦେଖ ଏଇଟା ନା ଖାଲି ଆମର କ'ଣ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମିରର୍ ଫର୍ମୁଲା ଲଗେଇକିରି ଆମେ କରୁଛେ, ବାକି ଆମେ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମରୁ ଅଲରେଡି ଜାଣିଦେଇଛେ ଯେ ଇମେଜ ଏଫ୍ ଆଉ ସି ମଝିରେ ତିଆରି ହେବ, ରିଅଲ ଇନଭର୍ଟେଡ଼ ହେବ ବୋଲି। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଏତିକି ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ନେକ୍ସଟ ଆମର ଥାର୍ଡ କେସ୍କୁ ଯିବା। ଥାର୍ଡ କେସ୍, ଥାର୍ଡ କେସ୍ କେଉଁଟା? ଥାର୍ଡ କେସ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଇ ବିଟୱିନ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଇ ଏଟ୍ ସି, ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଇ ଏଟ୍ ସି। ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟଟା ସି ଠାରେ ସମାନ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ କନକେଭ୍ ମିରର୍ ବନାଉଛି ଦେଖ, ଇଏ ମନେ କରାଯାଉ ଆମର କନକେଭ୍ ମିରର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଓକେ, ଏଇଠି ଅଛି ଫୋକସ୍, ଏଇଠି ଅଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍। ଅବଜେକ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଠାରେ, ଏଇଠି। ଏଠୁ ଯଦି ତମମାନେ ବନେଇବ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ, ମନେ କରାଯାଉ ଇଏ ଗଲା ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ କେମିତି ଆସ, ମନେ କରାଯାଉ ଇଏ ଗଲା ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ। ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ କ'ଣ ହବ, ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯାଉ ସେ ସେ ପାରାଲାଲ୍ ଯିବ। ତମେ ଦେଖିବ ସମାନ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା, ସି ଉପରେ ଏକା ତମେ ଭାଗ ମାପ ସମାନ କରିକି ନେଲେ ହେଲା, ପୋଲ ଠାରୁ ଫୋକସ୍ ସମାନ ନବ, ଫୋକସ୍ ଠାରୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ସମାନ ନବ, ନେଲେ ତମେ ଦେଖିବ ସମାନ ସେ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ନା, ସି ଉପରେ ଆସିବ। ଇଏ ଯଦି ଏ ବି ହୁଏ, ଇଏ ଏ ଡେସ୍ ବି ଡେସ୍ ସେଇ ସି ଠାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇନଭର୍ଟେଡ଼ ହେବ। ତ ଏଇ ଇମେଜରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଇମେଜ ତିଆରି ହେଉଛି, ଇମେଜ ଇଜ୍ ରିଅଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ଟେଡ଼। ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ରିଅଲ ଆଉ ଇନଭର୍ଟେଡ଼, ଓକେ, ରିଅଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଭର୍ଟେଡ଼। ଏବଂ ରାଇଟ, ଏଠି ଟିକେ ଏରୋ ମାର୍କ ଲଗେଇଦେବା, ନହେଲେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ହଁ, ତାପରେ ଇମେଜଟା କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଇମେଜ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଏଟ୍ ସି, ସି ଠାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, 2F, 2F ଠାରେ ଅଛି। ଆରେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ପି ଠାରୁ ଏଫ୍, ଏତିକି ଭିତରେ ତମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ, ପୋଲରୁ ଫୋକସ୍ ବି ଯାଇ ଏଫ୍, ପୋଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଯାଏଁ 2F କି ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଯାଏଁ 2F। ତ ସି ଠାରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, 2F, କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ପକେଇବା, -2F, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ତମେ ମିରର୍ ଫର୍ମୁଲା ନବ, ଏଠି ମିରର୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହୁଛି, ମିରର୍ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି 1/V ପ୍ଲସ୍ 1/U ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/F, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭି ଆମେ କାଢ଼ିବା କେତେ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ୟୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକେଇବା, 1/-2F, ଏଫ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକେଇବା, ଏଫ୍ ଜାଗାରେ ପକେଇବା -F, କାହିଁକି କନକେଭ୍ ମିରର୍ର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଲେଫ୍ଟକୁ ଅଛି ନେଗେଟିଭ। ତାହେଲେ ଭି କେତେ ଆସିଛି ଏଠି, 1/V ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1/F, ଇଏ ଏପଟେ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ 1/2F, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 1/V ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତଳେ ରହିଲା 2F, ଉପରେ 2+1, -2+1 ମାନେ -1, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2F, ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ମାନେ ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ 2F ରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ଅବଜେକ୍ଟ କେଉଁଠି ଥିଲା, -2F, ସି ଠାରେ,
इमेज कौट या माइनस टी एफ टू एफ सी ठार बुझिपार कौन कौच मुझे दशम श्रेणी ये सब पढ़ी आम एक्सट्रा कौन पढ़ुचे आम मिरर फर्मूला लगे बाहर करुचे बुझिपार। अच्छा मैग्निफिकेशन ये जो देख मैग्निफिकेशन केते आसीब मैग्निफिकेशन फर्मूला कौन मैग्निफिकेशन फर्मूला हूँ वी बाय यू एच डैश बाय एच आई बाय ओ विच इज इक्वल टू वी बाय यू। सो भिटा ये माइनस टू एफ यूटा भी माइनस टू एफ कटिगला केते आसला वन। मैग्निफिकेशन वन अर्थ कौन मैग्निफिकेशन वन अर्थ कौन ऑब्जेक्ट हाइट जी इमेज हाइट से ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट जहाँ ऑब्जेक्ट हाइट ता तो आम कहीपर ये इमेज सेम साइज रोचे इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिते साइज रो इमेज भी सही साइज रही बुझीला ये थर्ड केस गला। नेक्स्ट आम देखा आमर फोर्थ केस। फोर्थ केस रे आमे कौन करवा ऑब्जेक्ट को सी आउ एफ मझे रखा ऑब्जेक्ट को सी आउ एफ रझे रखा आम इनफिनिट रु आणुचे है तुमको लास्ट को मो ट्रिक कहीदेवि लास्ट को गोटे ट्रिक रख कहीदेवि तुमको मन रही सब है कौटी ऑब्जेक्ट रही केमी इमेज होती इमेज हो तार ट्रिक भी कहीदेवि टेनसन दिना खाली अभी बुझ केस गुड़ाक गोटे गोटे। फोर्थ केस कौन ना ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड टू एफ बा एफ एंड सी ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड सी एफ आउ सी रो मझे ऑब्जेक्ट थिले कौन हम गोटे कनकेव मिरर करवा ठीक अच्छे तार प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ये रहिला पोल ये रहिला फोकस ठीक अच्छे ये फोकस ये रहिला तो मान करो टू एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ टू एफ कहीं कहुचे बुझिपार पोल ठारु धरिकी एफ रो डिस्टेंस होची स्मॉल एफ फोकल लेंथ तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर ठार जब माप डबल हम एफ रबल हम कि ना तो से आम कौ आपको टू एफ ठीक अच्छे ये टू एफ ऑब्जेक्ट कौटी अच्छे ऑब्जेक्ट अच्छे ये सी आउ एफ रझे एवं बनवा गोटे इमेज आर इमेज नियो तुम्हें गोटे को नियो पैरेलल नियो गोटे प्रिंसिपल पैरेलल गोटे हाँ गोटे पैरेलल नियो पैरेलल रे एटा कोठ जीव फोकस देकी जीव तुम्हें जो कौन स्टैंडर्ड रे हम ये है पैरेलल रे फोकस देकी गला और फोकस देकी जीवा रे पैरेलल बाहर ला राइट तुम्हें देखी पार ये ये हम तो मानकर एडेस जोटा कि इनसीडेंट रे एमती गला गोटे है पैरेलल जाऊला से फोकस देकी गला आ फोकस देकी जोटा जाऊला से पैरेलल गला दीटे जाक मिसले एडेस रे सी ठार दूर एवं आपको जदि तुम प्रिंसिपल एक्सिस सहित मिसेब ये हम तो मानकर एडेस बी डेस ये हम इमेज आपको देखिकी रे डायग्राम को तुम कौन कहीपर इमेज कौन कौन प्रकार हो इमेज ये रियल इनवर्टेड हो रियल इमेज बाहर अच्छे इनवर्टेड रियल एंड इनवर्टेड ठीक अच्छे आउ कौन जानी पार्च इमेज कौटी तैयारी हो इमेज तैयारी हो बियॉन्ड सी सी ठारो दूर रे तैयारी हो टू एफ ठारो बड़ अच्छे ठीक अच्छे आउ कौन जाना पड़े यूर यू तुम जानी पार्च जो इमेज रो साइज अच्छे ऑब्जेक्ट साइज ठारो बड़ अच्छे हला इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट माने तुम कहीपर ये मैग्निफिकेशन काढ़ वन ठारू बड़ आ मैग्निफिकेशन। अच्छा एबे
सेम रिजनिंग लगे मिरर फर्मुला ये ऑब्जेक्ट हाइट टा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा 2f आउ f ठारो 2f आउ f रा मझे अच्छे इजंट इट सो आम कह f f ठारो बड़ u टा f ठारो बड़ किंतु 2f ठारो छोट 1 by कले 1 by f इज ग्रेटर देन 1 by u इज ग्रेटर देन 1 by 2 एबे एबे मिरर फॉर्मूला को जीवा मिरर फॉर्मूला कौन को होचे हमको 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f को होचे ओके ना तो u जगह हमें कौन पग u को से फर्स्ट सेपरेट नहीं दो टेंशन जाओ हेले 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u हेले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा लेफ्ट रे अछि तो माइनस होबो कि नै u टा माइनस होबो माइनस माइनस एठी आस कि प्लस हे जिवे f टा भी माइनस होबो बुझि पाछ f भी माइनस u भी माइनस काहे कि लेफ्ट रे अछन ते दिगे जाटो तो 1 by माइनस f इज इक्वल टू एठी प्लस काहे कि हला एपटे माइनस थिबो राइट को गलारो प्लस हला राइट सो माइनस 1 by f प्लस माइनस u u टा 1 by u टा 1 by 2f ठारो बड़ ये 1 by u टा 1 by 2f ठारो बड़ ता माने आमे जदि 1 by u जगह रे 1 by 2f लगेबा ध्यान दियो कोन कोचे 1 by u जगह रे 1 by 2f जदि लगेबा राइट किबा 1 by f लगेबा चलो 1 by f लगेबा ताहेले ए साइन चेंज हे जो 1 by v बड़ हे जबो isn't it माने 1 by v is equal to minus 1 by f एटी मु कौन लगे ली u जगह रे 1 by u जगह रे 1 by f लगे ली 1 by f टा 1 by u ठारो छोटो तो मु गोटे संख्या एटी मिसान रो गोटे साइड रो हला एटी इक्वेशन तमे बुझवा चेष्टा करो ए इक्वेशन रो मु गोटे जिंसो को काटी की आ गोटे जिंसो जोड़ी ली जोटा की या ठारो छोटो थिला तो साइन चिन्ह टा जोटा की दुटा एटे समान थिला एबे जे तुम गोटे छोटो जिंस सहित रिप्लेस करिछि ये कोन हे जीवो एपट साइड टा बड़ हे जीवो जो पटे मो रिप्लेस करिछि से साइड टा छोटो हे जीवो हो कि नहीं तो मु जो इक्वल टू चिन्ह एठी अछि ताको ग्रेटर देन चिन्ह लगे परबे बुझी पाछो कि नहीं मु कोन कहूछे ए सिंपल मैथमेटिकल रीजनिंग एटा मते बारंबार बुझिबा पड़बा कथा नुहे तथापि मते फीलिंग आछि कि जण बुझ परबनि बोली सच पई मु बारंबार कहूछे एटा राइट तीनटा जिंस अछि मन करा जो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड राइट सेठी भी हमरो फर्स्ट केस आज जोटा देखला हमें दुई नंबर केस आजरो फर्स्ट केस सेथिरे भी एटा आस्तिला एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू मन करा जाउ अछि मु टू को काटिकरी मु एठी मन करा जाउ छोटो संख्या गुटे वन लगे देले ताहले ए समानटा कोन हे जबो राइट हैंड साइड टा छोटो हे जबो कि नै लेफ्ट हैंड साइड टा बड़ हे जबो तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई प्लस वन हबो हले सेइ जिंस एठी होउछि बुझि पार जाय थरो राइट एबे बंद कर एबे भाबू छी मु बुझी जाइथिबो तमे आकु बढ़िबा जदी बुझी पार न कमेंट करो हला नेक्स्ट वीडियो रे बुझेबा सो ये गला त मान करो 1 by v इज ग्रेटर देन माइनस 1 by f प्लस 1 by एट तो तमे जानिबो जे 1 by v इज ग्रेटर देन 0 एपटे कौन हो 1 by f प्लस 1 माइनस 1 by f प्लस 1 by f कटि गला त माने 1 by f 1 by v इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0 बा v इज लेस देन 0 वाली बुझि परबे एट को तमे राइट अच्छा अच्छा एटे उल्टी बना सॉरी 1 by v इज ग्रेटर देन 0 that means v is greater than v is less than 1 by 0 but v is less than infinity v is less than infinity bujhi parla mane ye infinity re to jibo nai infinity taro choto eti ame jani parche right bujhi parche mu kon kahuche
ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଭିଟା ଇନଫିନିଟିକୁ ତ ଯିବ ନାହିଁ, ଇନଫିନିଟି ଠାରୁ ଛୋଟ ଥିବ, ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଇନଫିନିଟି ଠାରୁ ଛୋଟ ସିଏ ସି ଭିତରେ, ସିଠି ସିରେ ବି ରହିପାରେ, ସି ଠାରୁ ଛୋଟ ବି ରହିପାରେ, ଏଫ୍ ଠାରୁ ଛୋଟ ବି ରହିପାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ରହିପାରେ, ଇନଫିନିଟି ଠୁ ଛୋଟ ବୋଲେ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଅଛି 2f ଠୁ ବଡ଼ ବି ହବ ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖ କେମିତି କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ୟୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ ଆମେ 1/f'ଟା ବଡ଼ ବୋଲି, 1f 1/f ଠାରୁ 1/u'ଟା ଛୋଟ ବୋଲି ପକେଇଥିଲେ ଏଇଠି। ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ 1/2f ପକେଇବା, ତାହେଲେ 1/v ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ -1/f ପ୍ଲସ୍ 1/2f। ମୋତେ କାହିଁକି ଫିଲିଂ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହଉଥିବ ବୋଲି, 1/u'ଟା ହେଲା 1/f ଠାରୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ 1/2f ଠାରୁ ବଡ଼, ରାଇଟ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଠି କ'ଣ ପକେଇଲେ, 1/f ବାଲା ଲୋଅର ଲିମିଟ ପକେଇଲେ, ଅପର ଲିମିଟ ପକେଇଲେ, ଏବେ ଲୋଅର ଲିମିଟ ପକଉଛେ 1/2f। ହେଲେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ 1/u'ଟା ଛୋଟ, ମୁଁ ସେମ୍ ରିଜନିଂ ଲଗଉଛି, ଦେଖ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2y ପ୍ଲସ୍ 2 ଯୋଉ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2y ପ୍ଲସ୍ 2 ଯୋଉ ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 2କୁ କାଟିକିରି 2 ଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲଗେଇବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲଗେଇଥିଲି ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଏପଟଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ୟେ ସୋର ନୋ। ତା ମାନେ ଏବେ ତମମାନେ କହିପାରିବ 1/v ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ -1/f ପ୍ଲସ୍ 1/2f। ତ 1/v ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଇଏ 2f ରହିବ, ଇଏ -1 ରହିବ, ବା ତମେ ଆକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦବ, ଇଏ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍, ଭି ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ -2f, ରାଇଟ। ଭି ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍, ଲେସ୍ ଦେନ୍ କୁଆଡ଼େ ହେଲା, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ନା, ଓଲଟିଲା ଏଇଠି, ଲେସ୍ ଦେନ୍ଟା ଓଲଟିବ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହବ, ଭି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ -2f। ଏବେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକରୁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ଭିଟା ଇନଫିନିଟି ଠାରୁ ଛୋଟ, ମାନେ ଇନଫିନିଟି ଆଡ଼େ ଇନଫିନିଟି ଯାଇ ଯାଇନି, ଇନଫିନିଟି ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ 2f ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ତିଆରି ହଉଛି, ରାଇଟ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବ, ବ୍ୟାକ୍ ଯାଇକି ଦେଖି ବୁଝିଯିବ, କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଇମେଜ ଇମେ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ ମିରର ଫର୍ମୁଲା ଲଗେଇକିରି ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛେ ଯେ ଇମେଜଟା ଇନଫିନିଟି ଠାରୁ ଛୋଟ, ସି ଠାରୁ ବଡ଼, ବା 2f ଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ସି ଆଉ ସି ପରେ ଇନଫିନିଟି ଆଗରୁ ସିଏ ତିଆରି ହବ। ଏବେ ଫିଫ୍ଥ କେସ୍କୁ ଯିବା, ଫିଫ୍ଥ କେସ୍, କେସ୍ ନମ୍ବର 5। କେସ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ରଖିବା ଫୋକସ୍ ଉପରେ, ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଇଜ୍ ଅନ୍ ଫୋକସ୍। ଅବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଫୋକସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ। ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, କନକେଭ୍ ମିରର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବନେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ସିସ୍ ବନେଇବା, ତାର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଥିବ। ଅବଜେକ୍ଟକୁ ରଖିବା ଫୋକସ୍ ଉପରେ, ଫୋକସ୍ ଉପରେ ରଖିଲେ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଯାଉଥିବ, ହେଲା, ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ଯାଉଥିବ ପାରାଲାଲ୍ ରେ ଯିବ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି, ପାରାଲାଲ୍ ରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ନିଅ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ନିଅ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମିରର୍ର କର୍ଭେଚର୍କୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବ। ସୋ ଏବେ ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ଯଦି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବାଲା, ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହେଲା, ଏଇଠୁ ଗଲା ରେ, ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ରିଟର୍ନ ହବ, ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ରେ ଦେଖିବ ପାରାଲାଲ୍ ହେଇକି ଯିବେ ପରସ୍ପରକୁ, ତା ମାନେ ଏମାନେ କୋଉଠି ମିଶିବେ, ଦୁଇଟା ପାରାଲାଲ୍ରେ କୋଉଠି ମିଶନ୍ତି, ଇନଫିନିଟିରେ,
तो इमेज मध्य तैयारी हम इनफिनिटी रे इमेज फॉर्म एट इनफिनिटी रे तैयारी हम केमिति इमेज तैयारी हम रियल एंड इनवर्टेड इमेज तैयारी हम एपट जाइए जब मिस इनफिनिटी रे तो इनफिनिटी रे रियल इमेज ही तैयारी हम रियल एंड इनवर्टेड इमेज तैयारी हम लेफ्ट रे तैयारी हम बोले आम जानवा तो आम कह सर राइट रे मध्य तो सामने लंबे पारा लंबे पारा कि आम मिरर फर्मूला देखा एवं जे रियल इनवर्टेड हम माने येटा इमेजटा लेफ्ट रे ही तैयारी हम तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज तुम मानकर बनब आईजा सैजटा हाइली मैग्निफाइड हाइली हाइली मैग्निफाइड बहुत बड़ थी वो। अच्छा देखिबा एबे मिरर फॉर्मूला लगे कि आपको प्रूफ करिबा ठीक अच्छे देख पार्लल रे फोकस देखिए जाऊँ ऑब्जेक्ट कौटी अच्छे ऑब्जेक्ट डिस्टेंसटा जहाँ फोकसटा ता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आम कहपर माइनस एफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एफ ठीक अच्छे बहुत बढ़िया इमेज आम मिरर फॉर्मूला पकईकि इमेज डिस्टेंस बाहर करवा भी मिरर फॉर्मूला कौन कौच वन बै भि प्लस वन बै यु इज इक्वल टू वन बै एफ यु जगार माइनस एफ पकाओ वन बै भि प्लस वन बै माइनस एफ इज इक्वल टू वन बै एफ एफटा भी माइनस हे फोकल लेंथ भी लेफ्ट रे अच्छे ना माइनस हे ताले वन बै भि इज इक्वल टू वन बै माइनस एफ ये एपटे आसे प्लस होन बै एफ तो वन बै भि इज इक्वल टू कौन हम ना वन बै माइनस एफ प्लस वन बै एफ दैट इज जीरो जदि भिटा जीरो वन बै भिटा जीरो भिटा के बै जीरो माने इनफिनिटी भिटा है इनफिनिटी जदि भिटा इनफिनिटी है माने इमेजटा केमिति तैयारी होउछे इमेजटा तैयारी हम इनफिनिटी रे इमेजटा तैयारी हम इनफिनिटी रे राइट मैग्निफिकेशन कथा जो पचार मैग्निफिकेशन कौन ना भि बै यु भि बै यु भिटा के इनफिनिटी बै युटा के माइनस एफ तो मैग्निफिकेशन कौन हम इनफिनिटी ही हम इनफिनिटी बै जहाँ भी कर इनफिनिटी सो मैग्निफिकेशन इनफिनिटी माने बहुत बड़ इनफिनिटी टाइम्स बड़ राइट अच्छा ऑब्जेक्ट कौट रखी आम ऑब्जेक्ट आमको फोकस रखी अब सिक्स केस को जी ऑब्जेक्ट को पोल आउ फोकस भितर रखा राइट सेम पैटर्न पूरा सब जाक समान सिक्स केस ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ बिटवीन पी एंड एफ पोल आउ फोकस भितर रखा ठीक अच्छे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम बनवा गोटे कॉनकेव मिरर रो प्रिंसिपल फोकस पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ तो जोटा पार्लल रे से फोकस देके जीवो राइट पार्लल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस देके गति करे आ गोटे सेंटर ऑफ कर्वेचर देके जाओ से सीधा गति करे राइट तुम देख ये दुटा जाक इमेज ये एमती अच्छी गोटे आ गए सीधा जा दुटा जाक पचरे मिसबे ना जब तुमको आग को बढ़ेब डॉटेड लाइन करके मिशुंट मानने ए डे तुम ये हम सीधा तल को लंबे दब मान तुमको बी डे मिल जाए गोटे केस्रे हि इमेज तैयारी होचे मिरर रो पचपटे राइट सो इमेज को प्रकार रोचे रियल ए भर्चुअल इमेज इज भर्चुअल
अवास्तव एंड इरेक्ट सड़क सीधा अच्छे इरेक्ट अच्छे वर्चुअल अच्छे राइट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एवं कह इमेज इज लार्जर बा मैग्निफाइड लार्जर को कौन कहा जाए मैग्निफाइड बड़ अच्छे ऑब्जेक्ट ठार बड़ अच्छे राइट पछपटे तैयारी हो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर। अच्छा एठी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अच्छे से जीरो ठारो बड़ पोल रे मैंने जीरो कि नहीं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो ठारो बड़ किंतु फोकल लेंथ ठारो छोट पी ठारो एफ जाए फोकल लेंथ सो फोकल लेंथ ठारो ऑब्जेक्ट टा छोट राइट सो वन बाय यू टा कौन हम ग्रेटर देन एफ हम ग्रेटर देन वन बाय एफ हम ए मिरर फॉर्मूला पक मिरर फॉर्मूला वन बाय बी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ वन बाय यू सेपट जाओ फोकस माइनस थी वो ये भी माइनस थी वो ताले वन बाय बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय यू हेले वन बाय यू जगह रे जो दिया हमें वन बाय एफ पके वा ताले वन बाय बी कौन हो माइनस वन बाय U is greater than 1 by F. Yes. So, तुमको ये मिरर फॉर्मूला रो आवश्यकता भी ये पड़ी बनो। ये तुम्हें कोई पड़ी हो? Just a minute. ये जो तुम्हें 1 by F पको चो, 1 by F पकेले ये किसे आसी बने? पछका नहीं होती ना? तार किसी आवश्यकता ही ना हमको हमको खाली भीटा माइनस प्रूफ करवा रहे भीटा माइनस वाले प्रूफ करवा रहे सॉरी भीटा प्लस वाले प्रूफ करवा रहे राइट रे देखो वन बाय यू टा वन बाय एफ ठारो बड़ एबे टिके ध्यान दियो जेतु बेले हम मिरर फॉर्मूला कहिबा वन बाय भी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ ठीक अच्छे ये नेगेटिव ये नेगेटिव एबे देखो वन बाय भी इज इक्वल टू माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय यू वन बाय एफ टा नेगेटिव अच्छे ये नेगेटिव अच्छे ये पॉजिटिव अच्छे आमे ए रिलेशन रु जानिले जो वन बाय एफ यू टा बड़ माने पॉजिटिव टा बड़ ठीक अच्छे नेगेटिव टा वन बाय एफ टा छोट कौन कौन बुझी पार्छ ए रिलेशन रु वन बाय यू टा 1 by f ठारो बड़ बोली आमे जानिले ता माने जदि 1 by u को पॉजिटिव निया हुए 1 by f को नेगेटिव नहीं कि मिसा जाए ताले ओवरऑल टा पॉजिटिव आसीबो कि नहीं 1 by v टा पॉजिटिव आसीबो ता माने v टा कोन होबो पॉजिटिव होबो एति कि हमको प्रूफ करबार थिला जे v टा पॉजिटिव होच माने इमेज पचका नि आसुचे जोटा पोल ठारो राइट रे थिबो से तो पॉजिटिव जोड़ा लेफ्ट रहिबो से नेगेटिव तमे सब क्षेत्र रे देखिबो नेगेटिव आस्तुला एठी पॉजिटिव आसला हेटा पॉजिटिव आसला माने राइट बुझि परलो तो ये थिला इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर तमे लास्ट को ट्रिक कह देबी बोली कहले माने रखिबा पे कोठी ऑब्जेक्ट हले कोठी इमेज तैयारी हुए एबे गुटे कॉनकेव मिरर को भलो अबरे देखो ए पार्ट टा को भल से देख सब बुझ जीव किछि टेंशन नै देख जदि ये फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर देख जदि ऑब्जेक्ट रहिला ए बी रे ऑब्जेक्ट रहिला ए बी रे इमेज को इनफिनिटी तो छाड़ दियो हो इनफिनिटी रु धरबा काई छाड़िबो ऑब्जेक्ट जदि रहिला इनफिनिटी रे एटा कौन ए इनफिनिट ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रे रहिले इमेज कोटी तैयारी होचे फोकस ठारे इमेज तैयारी होचे केमिति पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट एटी
ये गोटे चार्ट टाइप रो बने दूच मु ऑब्जेक्ट कोठी थिले इमेज कोठी तैयारी हो राइट। ऑब्जेक्ट जदि इनफिनिटी रे अच्छे कोठी अच्छे इनफिनिटी रे इमेज कोठी तैयारी हो फोकस रे जो फोकस रे तैयारी हवा इमेज से पॉइंट साइज रो पॉइंट साइज रो ठीक अच्छे गोटे पॉइंट भले ही सृष्टि हम। ऑब्जेक्ट जदि आम पाक आणली टे सी ठार दूर रे इनफिनिट रे ना किंतु सी ठार दूर रे अच्छे तो ये कौन है देखो आम जदि ऑब्जेक्ट को राइट को आणले ट्रिक एटा ऑब्जेक्ट को राइट को आणले इमेज गोटे स्टेप पछ को जीव आम गोटे स्टेप ऑब्जेक्ट को राइट को आणले इमेज गोटे स्टेप पछ को जीव बुझिपार माने ऑब्जेक्ट जदि सी ठार बाहर रहा इमेज कौट तैयारी हम सी आउ एफ रझे तो ऑब्जेक्ट जदि बियॉन्ड सी रहिला इमेज कौन हम इमेज हम एफ आउ सी मझे जदि बाहर एपटे रोचे तो मैंने रियल इमेज हम रियल एंड इनवर्टेड इमेज रहा छोट साइज स्मॉल जेतेबेले आउ गोटे स्टेप आगे आणले आम ऑब्जेक्ट को सी रे रखिले ये भी आउ गोटे स्टेप एपटे आसला इमेज भी सी रे आका आसला तो ऑब्जेक्ट जदि एट सी रहे इमेज भी एट सी तैयारी हुए आउ एही क्षेत्र रे साइज टा बड़ी बड़ी जाउची ऐड रो पॉइंट साइज रो छोट साइज रो सेम साइज बुझिपार्च तो एट सी ही इमेज तैयारी हम सेम साइज हम रियल इनवर्टेड हम तापर आउ गोटे स्टेप राइट को आण ऑब्जेक्ट सी आउ एफ रझे रो ऑब्जेक्ट सी आउ एफ रझे रो इमेज बियॉन्ड सी लेफ्ट को पलेब इमेज बियॉन्ड सी आउ कौन हम बड़ हम राइट तो जितेबले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेफ्ट रु राइट को आसुची इमेज लेफ्ट रु राइट को जाउची आउ साइज साइज इमेज रो बड़ी बड़ी जाउची बुझिपार पॉइंट साइज रो कौन है स्मॉलर साइज डिमिनिश्ड तापर सेम साइज तापर एनलार्ज्ड बड़ तापर आउ गोटे स्टेप आनवा एपटे आपको आ गोटे स्टेप आणले फोकस उपरे रखिले इमेज आउ गोटे स्टेप जीव बियॉन्ड सी रो आउ गोटे स्टेप कौन इनफिनिटी तो जदि ऑब्जेक्ट एफ रे रखा जाए इमेज कौन हम इमेज ही जीव बियॉन्ड इमेज हो इनफिनिटी इमेज हो इनफिनिटी राइट ये गोटे स्टेप लिखा मुझे भूल जाइए ऑब्जेक्ट जदि बिटवीन सी एंड एफ रहा सी आउ एफ रझे रहा इमेज कौट रोच बियॉन्ड सी रोचे आउ एनलार्ज रोचे फोकस आणले इनफिनिटी को पड़ेगा तापर लास्ट स्टेप जदि पोल आउ फोकस मझे रखा जाए पोल आउ फोकस मझे रखिले आउ इनफिनिटी सियाड जगह आ कि ना तेणुक से एपटे जाए डे पड़े गोटे केस रे वर्चुअल एंड इरेक्ट आसे बुझिपार आउ थे ये पिक्चर को बन के आउ थे कौच देख देख आम छटा जाक केस को केमी मन रखा ये गोटे कनकेव मिरर अच्छे ये प्रिंसिपल फोकस ये पोल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अच्छा पुणी थोड़े कहचे ऑब्जेक्ट अच्छी इनफिनिटी रे कौटे अच्छे इनफिनिटी रे तो इमेज तैयारी होचे फोकस रे पॉइंट साइज गोटे स्टेप आपको राइट को आणले ऑब्जेक्ट जदि बियॉन्ड सी इमेज होचे सी आउ एफ रे छोट साइज डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड ये क्वाड आसला ऑब्जेक्ट राइट को गोटे स्टेप आसला इमेज लेफ्ट को गोटे गला ये साइज रे छोट थिला तापर डिमिनिश्ड को गला आउ गोटे स्टेप आगे आणले राइट को ऑब्जेक्ट को सी रे रखिले इमेज भी सी रे तैयारी होगा गोटे लेफ्ट को गला साइज कौन है गला सेम साइज बड़ी बड़ी जाउचे तापर सी आउ एफ रो मझे ऑब्जेक्ट को आणले तो ये आउ गोटे स्टेप आगे जीव बियॉन्ड सी इमेज बड़ हम तापर आउ गोटे स्टेप आगे ने फोकस रखिले इमेज कौन है इनफिनिटी को पड़ेगा आउ गोटे स्टेप आगे ने पोल आउ फोकस मझे रखिले तो इनफिनिटी जगह
ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ, ତ ସିଏ ପଛପଟେ ପଳାଇଲା। ମନେ ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟ ପୋଲ ଫୋକସରେ ରହିଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ୍ ଆସିବ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇରେକ୍ଟ ଇମେଜ୍ ଆସିବ, ଆଉ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ମିରର୍ ତିଆରି ହେବ, ରାଇଟ? କନକେଭ୍ ମିରର୍ର 6ଟା ଯାକ କେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କନଭେକ୍ସ ମିରର୍ ବିଷୟରେ। କନଭେକ୍ସ ମିରର୍ର କେବଳ 2ଟା କେସ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ଇନଫିନିଟିରେ ଅଛି ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଇନଫିନିଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର୍ର ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏସବୁ ଯାକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲେନ୍ସ ବଗେରା ପଢ଼ିବା, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ବୁଝି ବୁଝି ଯିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖ। କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କର। ପୁଣି ଥରେ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।